Join Forum IS Academy, trusted by hundreds of toppers, including IS rank 1 Shuti Sharma. हेलो फ्रेंड्स दिस इज गौतम पांडे कमिंग अप विद नेक्स्ट राउंड ऑफ मिनट इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट उत्तर मेरू इंस्क्रिप्शन और साथ ही साथ ये भी समझेंगे वाई इट बीइंग साइटेड एज एंशियंट प्रूफ ऑफ डेमोक्रेसी सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी याई आई इन न्यू आखिर उत्तर मेरू इंस्क्रिप्शन न्यूज में क्यों है पहले जरा इसको समझते हैं देखिए रिसेंटली पी मोदी रेफर टू द उत्तर मेरू इंस्क्रिप्शन वाइल्ड डिस्कसिंग इंडिया डेमोक्रेटिक हिस्ट्री अपनी स्पीच में पी ने कहा कि इंडिया इज द वर्ल्ड ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी एंड इसी स्पीच में पी ने उत्तर मैरूर इंस्क्रिप्शन को मैंशन किया है इससे पहले अगर हम बात करें तो पी ने समिट फॉर डेमोक्रेसी में भी उत्तर मैरूर इंस्क्रिप्शन को मैंशन किया था सो एज एस्परेंट विश वुड नो अबाउट दिस इंस्क्रिप्शन हमें पता होना चाहिए कि आखिर इंस्क्रिप्शन क्या है कहाँ है तो इस वीडियो में हम इसी उत्तर मैरूर इंस्क्रिप्शन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट को डिस्कस करेंगे एंड साथ ही साथ ये भी समझेंगे वाई एज इट साइटेड एज ए एंसेंट प्रूफ ऑफ डेमोक्रेसी इसे लोकतंत्र का प्राचीन प्रमाण क्यों माना जा रहा है उन सारी बातों को समझेंगे चलो शुरू करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल उत्तर मेरूर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट को डिस्कस करते हैं देखिए अगर उत्तर मेरूर की बात करें तो एक्चुअली उत्तर मेरूर इज ए स्मॉल टाउन इन कांचीपुरम डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु ये पॉइंट याद रखेंगे ये चेन्नई से नाइन्टी किलोमीटर दूर है मीन्स कहाँ पर सिचुएटेड है तमिलनाडु के कांचीपुरम डिस्ट्रिक्ट में एंड अगर इसे बात करें किसने इस्टेब्लिश किया था तो इसे पल्लव किंग नंदी वर्मन सेकंड ने अराउंड सेवन हंड्रेड फिफ्टी ए के टाइम में यहाँ पर इसे एस्टैब्लिस किया था तो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है नंदी वर्मन सेकंड ने इसे एस्टैब्लिस किया था अराउंड सेवन हंड्रेड फिफ्टी के टाइम में एक्चुअली अगर हम बात करें तो करंट सिनारियों में ये प्लेस पल्लव एंड जो चोल रूलर हैं उसके ड्यूरेशन में बने हिस्टोरिक टेम्पल के लिए जाना जाता है क्योंकि यहाँ पर अगर हम बात करें तो पल्लव हो गए चोल हो गए पांडे हो गए इन सब ने यहाँ पर रूल किया है एंड टाइम में बहुत सारे यहाँ टेम्पल बने हैं यहाँ के तीन टेम्पल सबसे ज़्यादा फेमस हैं अगर हम बात करें तीनों की तो देखिए फर्स्ट है यहाँ का सुंदर वरदराज पेरूमल टेम्पल जिसे आप इमेज में देख सकते हैं सेकंड है सुब्रमण्यम टेम्पल एंड थर्ड है कैलाशनाथ नाथ टेम्पल फेमस टेम्पल अगर हम बात करें तो ये तीनों सबसे ज़्यादा फेमस माने जाते हैं तो इसी पेरूमल टेम्पल के वॉल पर इंस्क्रिप्शन मिले हैं उसकी जरा समझते हैं देखिए अगर हम बात करें पेरूमल टेम्पल के वॉल के इंस्क्रिप्शन की तो इसे चोल रूलर परांत तक फर्स्ट ने मैंशन कराया था फेमस इंस्क्रिप्शन इसे माना जाता है ऐसे तो यहाँ पर जितने भी टेम्पल हैं सबके वॉल पर इंस्क्रिप्शन मिले हैं बट जो पेरूमल टेम्पल का इंस्क्रिप्शन है वो एंशियट प्रूफ ऑफ डेमोक्रेसी को प्रूव करता है कैसे करता है जरा इसको भी समझते हैं देखिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट तो यही है देखिए एक्चुअली है क्या कि ये इंस्क्रिप्शन अराउंड 920 हंड्रेड पुराने हैं जो 1000 थाउजेंड ईयर एगो विलेज असेंबली के प्रूफ को प्रोड्यूस करते हैं इंस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो इतने टाइम पहले भी डेमोक्रेटिक वैल्यू वाले ग्राम सभा को मेंशन किया गया मीन्स उस समय भी वहाँ पर ग्राम सभा होती थी जस्ट लाइक करंट सिनेरियो में क्या होता है लोकल गवर्नमेंट में आपने पंचायती राज में देखा होगा ग्राम सभा होता है पंचायत होता है तो सेम कंडीशन वहाँ पर मैंसन किया गया है कि मीन्स वहाँ पर भी ग्राम सभा होती थी एंड इसमें ग्राम सभा का गठन कैसे होगा उसके मेंबर की एलिजिबिलिटी क्या होगी लाइक like, जैसा कि उसमें मैंसन किया गया है कि ईयर थर्टी टू सेवेंटी होना चाहिए या फिर मिनिमम अमाउंट ऑफ लैंड होना चाहिए पर्सन को वन वेद एंड जो फोर भाष्य होते हैं उसका नॉलेज होना चाहिए इस तरह के एलिजिबिलिटी को भी यहाँ पर मेंशन किया गया है इसमें सेलेक्टेड मेंबर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी मीन्स अगर आप सेलेक्टेड हो जाते हैं तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी एंड टेन्योर क्या होगा उसे भी मेंशन किया गया जो कि करंट सिनेरियो में हम देखते हैं एक्चुअली हम बात करें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इससे क्या है कि इसमें राइट टू रिकॉल को मेंशन किया गया है जिसमें अगर ग्राम सभा के सदस्य अच्छे काम नहीं करते हैं तो गांव वालों को लगता है तो उन्हें वापस बुलाया जा सकता है मीन्स उन्हें पद से हटाया जा सकता है जो हम बात करें करंट सिनेरियो में हम क्या देखते हैं राइट टू रिकॉल की डिमांड करंट सिनेरियो में भी की जा रही है बट हमारे नेशन में तो अभी है नहीं है बट उस समय ये जरूर था राइट टू रिकॉल का मीन्स अगर कोई नेता अच्छा काम नहीं कर रहा है तो उसे वापस बुला लिया जाता था मीन्स उसे पद से हटा दिया जाता था देखिए जो लोग इसे एंसेंट प्रूफ ऑफ डेमोक्रेसी मान रहे हैं इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन तक बता रहे हैं बट जो क्रिटिक हैं वो इसे लोकल सेल्फ गवर्नेंस का एग्जाम्पल तो मान रहे हैं बट इसे ट्रूली डेमोक्रेटिक सिस्टम नहीं मान रहे हैं बिकॉज उनका कहना है कि इंस्क्रिप्शन ग्राम सभा के मेंबरशिप के ब्राह्मणों तक ही लिमिट करता है मीन्स इसमें जो मेंशन किया गया है कि ब्राह्मणों को तो वहीं सीट मिलेगी एंड जो लैंड ओनरशिप का कॉन्सेप्ट इसमें बताया गया है मैंडेटरी बताया गया है वो डेमोक्रेटिक वैल्यू के अगेंस्ट में है तो इसे पूरी तरह से हम हंड्रेड परसेंट एनशेंट प्रूफ ऑफ डेमोक्रेसी नहीं मान सकते मीनस पूरी तरह से इसे डेमोक्रेसी नहीं मान सकते बट ओवरऑल अगर हम बात करें तो इतने टाइम पहले ग्राम सभा का कॉन्प्ट होना इलेक्शन का कॉन्सेप्ट होना एलिजिबिलिटी के कॉन्सेप्ट को मैंसन करना एनसेंट प्रूफ ऑफ़ डेमोक्रेसी को प्रोड्यूस करता है तो होप आपको उत्तर मेरू से रिलेटेड सारी बातें समझ में आई होंगी थैंक्स फॉर वॉचिंग